ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा समेत 9 अफराद हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। आलमी बरादरी का इजहार रंज। हुकूमत हिंद का आज सरकारी शोक का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज दिन मंगलवार यानी ट्यूसडे 21 मई साल 2024। पेश है रोजमा तामिल इरशाद और श्रीनगर से शायद दीगर अखबार से ली हुई आज की सुर्खियां। लोकसभा इंतखाबात मरहला पंजम पर अमन तौर इख्तिताम पजीर। बारामूला नशस्त पर तकरीबन 59% वोटिंग दर्ज। 4 दहाइयों के बाद रिकॉर्ड पोलिंग। शरह बढ़ने का इम्कान। किसी भी पोलिंग मरकज पर 0 वोटिंग नहीं हुई। CEO बेशतर पोलिंग मराकज के बाहर दिन भर लंबी लंबी कतारें। 22 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वोटिंग मशीनों में महफूज। गुज़श्ता लोकसभा चुनाव के मुकाबले तकरीबन 20% ज्यादा पोलिंग। कश्मीर के लिए आज एक अहम मौका। अमन और तरक्की की समेत हुकूमती कोशिशों से जमहूरियत पर लोगों का एतमाद मजबूत हुआ। अमित शाह। 9 रियासतों और 2 मरकजी इलाकों में पोलिंग मुकम्मल। 49 नशस्तों पर 57.57% राय दही। मगरबी बंगाल में सबसे ज्यादा और महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग दर्ज। लद्दाख यूटी की वाहिद पार्लिमानी नशस्त पर 67.15% पोलिंग दर्ज। इलेक्शन कमीशन। हौसला अफजा वोटर टर्न आउट मनोज सिन्हा। आवाम और तमाम मुतलकीन को मुबारकबाद। वोटर टर्न आउट काफी खुशाइंद। असेंबली इंतखाबात के लिए एक तारीख मुकर्रर। जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली एक पुख्ता वादा। बहाली के सही रास्ते पर गामजन। ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने की मुतमनी जहां तशद्दुद तारीख हो और खुशहाली मुकद्दर हो। वजीर आजम नरेंद्र मोदी। इलेक्शन कमीशन ने बारामूला पार्लिमानी हलका में 187 खसूसी पोलिंग स्टेशन कायम किए। मुनफरद जरूरियात को पूरा करने के लिए सहूलियात से लैस थे। चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत सिविल और पुलिस इंतजामिया की आला सतही मीटिंग। जम्मू कश्मीर के मजमू सिक्योरिटी मंजरनामे का जायजा। सयाहों शहरियों और सियासी कारकुनों के जामिया तहफ़ के लिए कमेटी SOPs वाजिया करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर का इजहार दुख। ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं मनोज सिन्हा। चंद सुर्खियां अंग्रेजी अखबार डेली कश्मीर से। सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन्स टू एंटरटेन प्ले अगेंस्ट न्यू क्रिमिनल लॉज। कांग्रेस डिडंट रिवोक आर्टिकल 370 फॉर अपीजमेंट सेक। अमित शाह। अग्निवीर्स आर नॉट जस्ट सोल्जर्स बट लीडर्स CDS। एंड 5 यूथ हेल्ड विथ फेक USG करेंसी। ये थी श्रीनगर से शाया होने वाले आज के मकामी अखबारात की सुर्खियां। आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगबान।